जयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में करारी हार का सामना कर चुकी आम आदमी पार्टी को पंचायत चुनाव में थोड़ा सुकून मिला है। हरियाणा की राजनीति में बैकफुट पर चल आम आदमी पार्टी को पंचायत चुनाव में एक प्रकार की संजीवनी मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। हरियाणा में अपना पहला जिला परिषद चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव की सफलता को भुनाने के लिए अपने चुनाव चिन्ह यानी कि झाड़ू पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया था। जिला परिषद की 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को 15 सीटों पर जीत मिली है। हरियाणा में साल 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत काफी बड़ी है। वहीं इस जीत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हरियाणा आम आदमी पार्टी के नेता गदगद है। सिंबल पर लड़ रहे उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने जिला परिषद के चुनाव में 19 सीटों पर ही जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की है। इनेलो की बात की जाए तो इनेलो ने 10 सीटें अपने खाते में डाली है। वहीं जेजेपी की अगर बात की जाए तो जेजेपी सिर्फ एक सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। बीजेपी का इस चुनाव में प्रदर्शन बेहद खराब रहा और उसके कई बड़े नेता चुनाव हार गए। कुरुक्षेत्र में भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन अंबाला में जिला परिषद चुनाव हार गई और चौथे स्थान पर रही। पंचकुला में बीजेपी सभी 10 जिला परिषद सीटों पर हार गई। गुरुग्राम में बीजेपी ने 10 जिला परिषद सीटों में से 4 पर जीत हासिल की और शेष बची 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंचायत चुनाव में जीते आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को बधाई दी। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हरियाणा में हुए जिला परिषद चुनाव में जीत हासिल करने वाले आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। पूरी मेहनत से मन लगाकर जनता के लिए काम करें। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के सिरसा जिले में बड़ी बढ़त देखी है, जो पंजाब का पड़ोसी है और मालवा क्षेत्र के करीब है। यहां आम आदमी पार्टी की 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद से मजबूत उपस्थिति है। पार्टी ने अंबाला में भी सीटें जीती है। आम आदमी पार्टी इसे भाजपा शासित हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़े कदम के रूप में देख रही है। वहीं बीजेपी ने इस चुनाव के भीतर कई उतार चढ़ाव देखे हैं। बता दें कि पिछले महीने हरियाणा की आदमपुर सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई थी। आप प्रत्याशी सतिंदर सिंह को सिर्फ 3,413 वोट पड़े थे और वो अपनी जमानत जब्त होने से नहीं बचा पाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा स्पोक्समैन।